सारा खाया हुआ स्किन है ना, हाथों से चुप के निकाल रही है। ये हर नंबर का अलग अलग है, जैसे इस पे लॉट नंबर वैरायटी सब लिखे लिए है। ऐसा नहीं है कि सबका एक एक होता है, जो लॉट वाइज जो फार्मर तैयार करता है, एक फार्मर ने इतना तैयार किया तो उसका बीज अकेला एक यही है, तो इसका पूरा नंबर लिखा होगा। देखो हाँ, नंबर जो लॉट नंबर है वैसी तरह वो जीओडी में जाएगा, पूरा लेफ्ट तक वो काम करेगा। इसके लिए हर जगह पे अलग अलग रखा है, वेराइटी एक है लेकिन सब फार्मर का अलग अलग है। इस तरह का काम होता है इधर, आगे फिर देखो ये लेबर का हमको 4-5 किलो के 5 रुपया चुगाई का देना पड़ता है, 5 रुपया देना पड़ता है। बीज का खाली चुगाई करते हैं ना, रोज का 40 किलो किया, 25 किलो किया, जो भी किया वो 5 रुपये के भी पड़ता है। और ऐसे ये जो पूरा चुगाई किया ना, तो पूरा गंदा दाना है, जैसे खराब दाना है वो पूरा निकाल देता है। तो इसमें हाँ फेंक देंगे ना, इसको निकाल के अलग कर, लेकिन इसमें क्या है, आपको ये पैकेट में आएगा तो आपको जर्मिनेशन 100% मिलेगा। हाँ, ऐसा डाल के डालेंगे तो आपको जर्मिनेशन कम मिलेगा। सर कई बार आते हैं ऐसा दाना भी आता है उसके अंदर, तो वो चुगाई कम करते हैं कई बार हम देखते हैं। हाँ सही बात है आपकी, लेकिन वो कंपनी वाले क्या करते हैं, जो साफ रखे ना वो ऐसे ना ऐसे 2-3 लॉट चलेगा और ऐसे निकल जाएंगे तो आपका जर्मिनेशन कम ही आएगा। एक बात और बताऊँ, बीज साफ होता है बिल्कुल ऊपर से, और उसको जैसे पानी में डालते हैं ना, कुछ बीज ऊपर रह जाता है तो नीचे बैठ जाता है। क्या होता है साहब, ये बीज सही है लेकिन इसमें लाल दाने होते हैं, जैसे ऐसे ये है बराबर, तो एक कच्चा दाना है, तो ये क्या है पूरा पेड़ होता है, जैसे इतना तक हो गया तो ऊपर वाला जो टिंडा बनता है वो थोड़ा कच्चा भी रहता है, तो वो जो काम करेगा और खेत में लगाएगा वो तो वो भी साथ में चुगाई देता है, वो थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन 100% सोइंग तो होगा, जर्मिनेशन तो हो जाएगा, जर्मिनेशन में कोई कमी नहीं है। ये बात जर्मिनेशन इसकी पक्की हो जाएगा, उसको टूटा हुआ फूटा हुआ बाकी इसको 2 साल तक रखोगे। अजय बड़ो आप आगे चले जाओ, थोड़े आगे मशीन है या ऐसे थोड़ा आप आगे चले जाओ, थोड़ा आगे आगे चले जाओ। ये जिन्हें जैसे एक मिनट में बता दो, ये जैसे कच्चा फार्मर का रुई आता है ना, तो इसमें हमने प्लांट बनाया है, जैसे 1, 2, 3, तो ये फार्मर लेके आए 2 बोरा 2 पुते लेके आए, तो 2 पुते इसमें डालेंगे और ये 2 चरखे है, 2 चरखे में इसका बीज निकलता है, इसका निकल के फिर बीज नीचे चला जाता है, रुई इधर आ जाती है, तो बीज जो है वो 1 बोरे में भर के फिर उसको लॉट नंबर में वो अपने डाल देते हैं, और इस तरह अलग अलग होता है, जैसे एक दूसरे का एक साथ साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई फार्मर अच्छा है वो बीज वाला तो ये तैयार है ना, सब सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है।
उसके बाद ये अपना माल इधर से अपनी अच्छी गेवंडी में जाता है, उसके बाद ये इसमें बढ़िया बनके फिर इसके बाद उसमें जाता है, फिर उसके बाद भी ऐसी तरह अलग हो जाता है, बाद में चुकाई के लिए देना पड़ता है, इसके बाद में भी प्रोसेस और भी है। देखोगे ना अंदर सुई वाला है, तो जो काने वाले दाने हैं वो सुई में आ जाता है, वो कटिंग वाला है सुई वाला तो उसमें निकल जाता है, वो देख लो आप पूरा मशीन कैसे है तो आपको पता चलेगा काने वाले दाने है वो अंदर बन पूरा बाहर आ जाएंगे। देखो इसमें सुई वाला है, ये घुमाते हैं तो पूरा घूम जाता है, उसमें अंदर आ जाता है। ताली हुआ है, पहले नहीं हुआ था, ये अभी मैग्नेट वाला हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे ये दाने हैं तो उसके साथ में मैग्नेट जो आता है लोहे का भूखा उसमें डाले, जो आयन पाउडर बोले लोहे का जो भी बोले, तो क्या है वो काने में चले जाते हैं, काने में चले जाने के बाद उसको हम उसमें डाल देते हैं, तो उसमें मैग्नेट वाला जो मशीन है जो वो तुरंत चुकाई कर देता है, तब पकड़ लेता है और वो अलग हो जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद में अभी उसको वो मशीन में डालेंगे जैसे मैग्नेट वाला, तो आपको इधर दिखाई देगा। बस आप ये ऊपर डालेगा, जो पट्टे पे रहेगा वो समझ लेने का, जो ये दाने आए ना पूरा खराब आया, नीचे वाले खराब दाना आएगा, वो मैग्नेट वाला है आपके हाथ में। नीचे वाला खराब आ रहा है, हाँ नीचे वाला खराब आ रहा है, उस तरफ आ रहा है वो अच्छा दाना आ रहा है, वो सही है, ये सही दाने आ रहे हैं। सही हुआ है या नहीं हुआ उनको हम ऐसे तोड़ के, ये 96 ब्लॉक है 96 बोल रहे हम, ये उसमें डाल देते हैं, बाद में उनका सॉल्यूशन आता है, जो भी टेस्टिंग की मेथड होती है जो सॉल्यूशन है उसमें डालते हैं,
बाद में जो छरा होता है आयन का छरा उसमें डाल के वो वाली प्लेट इसको लेके हम ये क्रश मशीन है वो क्रश मशीन में डाल देते हैं इधर से बराबर उनको ये फिट करके ऐसे हम क्रश कर दे वो ऐसा वाइब्रेशन होता है तो वो क्रश कर दे रहा है दाने का तो दाने का लिक्विड हो जाएगा जो अंदर मैंने ब्रेक किया जो दाना उनका क्या है वो क्रश किया तो लिक्विड हो जाएगा तो लिक्विड ही हमारा काम है क्योंकि वो है ना वो बाद में प्लेट लेनी पड़ती है उनका टाइम कंज्यूमर होता है दो कलाक या वन आवर या टू थोड़े भीड़ में ना तो प्लेट आती है उसमें क्या है एंटीबॉडी उसको बहुत केयर करके ये तो यूज किए हुए ऐसे मत ऐसे नहीं पकड़ते कि हमारी जो फिंगरप्रिंट है वो मशीन में आ जाती है ना तो रिजल्ट नहीं देता ये इसलिए ये प्रोसीजर इसलिए है कि हमको पता चले कि कोई भी हमने मेल फीमेल डाला बाद में जो भी क्रॉसिंग करके माल तैयार हुआ वो सही है या गलत बोलगार्ड वन और बोलगार्ड टू का जो टेस्टिंग होता है कि बोलगार्ड वन है या बोलगार्ड टू है okay. उसका एक टेस्टिंग मशीन है अलाइजा टेस्टिंग बोलते हैं हम उनको उसमें एंटीबॉडी प्लेट लगी रहती है उससे हमारा जीन जो भी कॉटन का सीड्स हम तैयार करते हैं वो प्योर कितने परसेंट का है वो अच्छा है या नहीं जब हम उनको प्रिपेयर करके फार्मर को देते हैं तो खेत में कैसा रहता है हर एक की जमीन हर एक का पानी सब कुछ सही नहीं होता किसी का अच्छा पानी है किसी का माड़ा पानी है वो सब में सूट होने के लिए उनको एक टेस्टिंग की जाती है ये बीटी कॉटन टेस्टिंग का मशीन है अलाइजा मशीन उसमें पहले हम वो जो सीड्स हमने तैयार किया है वो हम उनको ये पकड़ से ब्रेक करके ये अलाइजा टेस्टिंग का ब्लॉक आता है वो ब्लॉक में डालते हैं एक एक करके बराबर वो ऐसे 96 दाने हम उनको ब्रेक करके डालते हैं यहाँ पे बराबर वो प्रोसीजर करने के बाद वो 2 कलाक की प्रोसीजर है टोटल अलाइजा टेस्टिंग की बराबर तो उसमें ये प्रोसीजर करने के बाद उनको क्रश मशीन में क्रश किया जाता है बाद में उनको अलाइजा एंटीबॉडी प्लेट होती है जो क्राइमन की क्राइटू की और राउंड अप रेडी की CP4 EPS-PS ऐसा एक जीन आता है पर वो गवर्नमेंट ने क्या है वो अलाउ नहीं किया तो हम करते नहीं उनका टेस्टिंग क्योंकि वो अलाउ है ही नहीं हमारे पूरे इंडिया में हैं जी, हैं जी। वो जो बोलते हैं राउंड अप रेडी ये वाला है क्राइटू ईबी मींस के बोलगा 2 का टेस्टिंग का प्लेट है ये वाला जी। तो उनको हम ये वाला जो हमने पहले ब्लॉक में डाला दाना क्रश करके उनको हमने प्रोसीजर किया 30 से 40 मिनट तक का प्रोसीजर होता है ये वाला पहला उसमें से प्रोसीजर किया बाद में हमारे पास ये वाला एक ऐसा पिपेटर होता है जैसे उसमें ये पिपेट को हम लेते हैं पहले इसमें से जो भी लिया है पहले जो भी तैयार हुआ क्रश किया तो वो लिक्विड हो जाएगा वो कैसे हम लेते हैं उसमें से ये 8 दाने का लिया पर ये पहले 8 दाने में डाल दिया ऐसे हम प्रोसीजर पूरी करते हैं बराबर बाद में उनको 45 मिनट का इंक्यूबेशन बोलते हैं तो अंधेरे में रखना उनको तो हम ये अंधेरे में रख देते हैं या कोई खोखे में या अंदर कपबोर्ड में अंदर रख देते हैं बराबर तो 45 मिनट का कंप्लीट प्रोसीजर 46 भी मिनट नहीं होनी चाहिए 45 ही मिनट हम 40 मिनट पे ले लेते हैं उनको बाद में उनको वो प्लेट को 4 बार वॉश करना पड़ता है ये जो हमने जीन डाल दिया है उनको वॉश करना पड़ता है वॉश सॉल्यूशन से उनका अलग सॉल्यूशन होता है बाद में हमको उनका इंक्यूबेशन टाइम होता है 15 मिनट का जो हमने वॉश किया ये प्लेट को वॉश करते हैं ये एंटीबॉडी प्लेट ऐसी होती है जब हम ये वाला जो दाना हमने उनको पकड़ से अंदर डाल रखा उनका लिक्विड हुआ वो वाला हम इसमें डालते हैं उनको बाद में वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद ये एंटीबॉडी ऐसी आती है जो हम नरी आंखें से भी नहीं देख सकते वो ऐसे सूक्ष्म वो अंदर लग जाते हैं ये बॉडी में क्योंकि ये एंटीबॉडी है उसमें एक बार चला गया बाद में हमने वॉश किया तो भी अंदर रह जाता है उनका जीन जो जीन रह जाता है वही ओके आएगा जिसमें नहीं रहा वो नेगेटिव आएगा बाद में सब जिसमें रह गया वो पॉजिटिव आएगा कई बार ऐसा होता है क्राई वन में और क्राई टू में बोलगार्ड वन और बोलगार्ड टू का ही टेस्टिंग होता है ये वाला राजाराम जी आप तो प्लेट रख के वो रीडिंग करते हैं रीडिंग करने के बाद आप इधर आ जाओ सब रीडिंग करने के बाद हमारा रिजल्ट कैसा आता है कंप्यूटर में
कि हमको पता चलता है कि कितना परसेंट बीटी है या कितना परसेंट नहीं है। गलत है तो नेगेटिव लिख के आएगा, नॉन बीटी है तो नेगेटिव लिख के आएगा। बीटी जिसका क्रॉसिंग हुआ है, हमने सीड तैयार किया है, तो उनका ही ऐसा आएगा कि कंप्लीट, कि भाई ये वाला चलो 100% है या 99% है ऐसा। ऐसा रिपोर्ट तैयार होता है हमारे पास। देखो नेगेटिव होता है ना तो एक पार्टी का नेगेटिव आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो जो देखो, ये वाला ब्लॉक अलग है, ये वाला ब्लॉक अलग है, दो सीडी इसमें डाले थे, दो वैरायटी डाली थी बराबर। इसमें पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव है, वो सही है। इसमें नेगेटिव आया तो वो गलत है, वो सीड गलत था तो नेगेटिव आया। वो ऐसी प्रोसीजर होती है, उसमें बीटी टेस्टिंग किया जाता है। ये पूरा ब्लॉक का मैप है वहाँ पे। हाँ, ब्लॉक का मैप है, ये वाला जो ब्लॉक हमने डाला है ये उनका मैप है। जो इसमें जो टेस्ट होगा हाँ, वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। जो भी है वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। बाद में लोग क्या करते हैं कि चलो आपने किसी को गलत दे दिया है या आपको किसी ने गलत दे दिया बीज, तो वो सही है गलत वो आपके खेत में डालोगे तब पता चलेगा कि ये कितना सही है। तो हम लोग तो फार्मर से लेते हैं, पहले उनके लेने के बाद आपको देते हैं प्रोसेसिंग करके। अब फार्मर ने हमको गलत दिया तो आपको गलत ही आएगा, तो उसके पहले हम ये टेस्टिंग कर देते हैं, सही है वही लेते हैं, नहीं होता तो उनको वापस कर देते हैं। समझ गए? बस तो दो थैला है, दो थैले का एक लॉट है, लॉट नंबर 101 दो थैला उनका, दो थैले में से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, 96 दाने हम उसमें से सिलेक्ट कर देते हैं, भाई ऐसा ये वाला लेना, उनको क्रश करके डाल ऐसे ही हम लेते हैं और वो वाला प्रोसेस करके हम इसमें ले जा टेस्टिंग में डालते हैं। तो आपको भी क्या दिक्कत नहीं आएगी, कई बार ऐसा होता है फार्मर को कि उनके पास गलत बीज आ जाता है, पर वो जो आप यहाँ से ले गए आपको गलत बीज आया तो वो हमारा भी गुना नहीं है, क्योंकि हमको भी उन्होंने दिया फार्मर जिसको मेल फीमेल दिया, उन्होंने हमको दूसरा वाला दे दिया, तो वो तो हम चलो टेस्टिंग नहीं करते, हमको तो मालूम नहीं होगा कि ये वाला कितना अच्छा है कितना बुरा है। मारा निकल गया तो भी आपको थैंक यू।